हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैंने बहुत पहले जो है वो की थी, बड़े आई थिंक 2 साल हो गए, और एक ही दफ़ा की। आज मुझे स्ट्राइक हुआ और ऑटोमेटिकली यू नो जो इंट्यूट होता है वही मैं रीडिंग करती हूँ। तो आज मुझे हुआ कि मैं आज बड़े दिनों बाद ये रीडिंग करूं, और देखती हूं कि कैसी रीडिंग रहती है, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया। मे बी आपका मिजाज बदल गया हो। जो लोग शुरू से मेरे चैनल पर हैं वो तो शायद इस रीडिंग को हैशटैग करके देख सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कौन है वो इंसान, कौन है वो वाहिद इंसान जिससे आप ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहेंगे। बड़ा सेंटी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं फिर वो चले जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बस आपके अपने ऊपर है कि आप किस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और या फिर मैं गेस करके आपको बताती हूँ कि कौन है वो इंसान जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। कौन होगा वो एक शख्स जिससे आप ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहेंगे, ठीक है? तो ये साइन से, सिंबल से, सिंक्रेनिटी से, इंडिकेशन से, स्टार साइन से, छोटी छोटी सी जो मैं आपको हर वक्त कहती हूँ, मैं एक एक कार्ड की एक एक माइन्यूट डिटेल देखती हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ पिक हो जाए और किससे जाके वो जुड़ जाए। तो बिगिनिंग करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जनाब कौन है वो ऐसा इंसान जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। एनर्जी ओरेकल इसलिए चेक कर रही हूँ बिकॉज ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। रिगार्डलेस ये आपके पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि जाहिरी बात है वो इंसान अब आपके साथ नहीं है, और अब आप उससे दोबारा मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ख्वाहिश कर नहीं रहे, मैं चेक करके बता रही हूँ। शायद आप कभी सोचते होंगे कि मैं इससे, मेरी दोबारा इससे मुलाकात हो जाए, तो आज मैं टैरो के थ्रू आपको बताऊँगी कि आप कौन है वो इंसान जिससे आप दोबारा मिलना चाहते हैं, ठीक है? तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, अगर गुजरी तो, और तो ये आपको उस वक्त का मैसेज होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी बहाने जान सकेंगे कि वो कौन है इंसान जिससे वो मिलना चाहते हैं, ठीक है? और प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर सिंगल क्वेश्चन एंड फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं। चलिए जी, देखते हैं कि कौन है वो इंसान जिससे आप अपनी लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। मेल, फीमेल, रिलेटिव, ओल्ड फ्रेंड, बडी, एक्स, मोहब्बत, कज़न, हुएवर इट कुड बी, कोई भी हो सकता है। देखते हैं कि कौन है जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। A man holding a heart. चले जी, किस्सा ही मुक गया। Number 45. आगे देखते हैं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। The temple path, number 12. So beautiful. Anxiety. Number 18. कौन है जिससे आप दोबारा अपनी लाइफ में मिलना चाहते हैं? एक तो बिल्कुल क्लियर है, डोर टू रोमांस, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। मेरे ख्याल में मैंने अभी टाइटल रीड ही किया होगा, और जिस वक्त मैं इंट्रो दे ही रही थी शायद उसी वक्त फड़ाक से आप लोगों ने अपने एक्स के बारे में या अपने बहुत ही किसी क्रश के मुतालिक धड़ाके से आप लोग अपने दिमाग में वो बात लेकर आए, ताकि कार्ड्स वही निकले। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं हर डे, क्योंकि अभी तो ये ओरेकल्स हैं, अभी टैरो बाकी है, जैसे पिक्चर बाकी है ऐसे टैरो भी बाकी है, ठीक है? एक तो ओवरऑल एनर्जी ये कि आप अपनी लाइफ में रोमांस को लेकर बहुत डल हो गए हैं, और रोमांस डल है क्योंकि डेफिनेटली आप एक लाइफ जी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। आपने जिसके साथ ज़िंदगी जी है ना, वहाँ आपका रोमांस एक्टिव था, ये तो एक बात फैक्ट है। दूसरा ये कि आप जिससे मिलना चाहते हैं उसकी एक रीज़न यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी के मज़ेदार होने का एहसास इस पर्सन की वजह से होता था, ठीक है?
जिससे आप मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर ये आपका एक्स, आपका रोमांस, आपका रोमांटिक पार्टनर, आपका सीक्रेट एडमायरर, आपका क्रश नहीं भी है, तो कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इस तरफ रुख करवाया कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है जिसमें अपने आप से भी मोहब्बत की जाती है, अपने ऊपर मोहब्बत के लिए दरवाज़े बंद नहीं किए जाते, ये कोई इस तरह का इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हैं। इसने आपको एक लेसन दिया है, इसने आपको मोहब्बत का एक परसेप्शन भी सिखाया, और इसने आपको उसी रिश्ते में रहते हुए स्पिरिचुअल जर्नी का पाथवे भी दिखाया, बिकॉज़ यहाँ पर टेंपल पाथ है। आप बहुत स्पिरिचुअल, आप बहुत रिलीजियस हो गए होंगे जब आपका इस पर्सन के साथ मामला चल रहा होगा, और एक अर्ज होगी आपकी कि ये पर्सन बोले, ये पर्सन एक दफ़ा तो कहे, क्योंकि ये मैन होल्डिंग अ हार्ट है ना, इसने अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से, अपने जेस्चर से आपको केयर, वार्म्थ, हग, कडल सब कुछ दिखाया है, और इसने लिटरली कहीं कहीं कभी कभार अपने दिल का टुकड़ा तक आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैच है, और वो यानी इसके पास कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि इसके पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी इसने मुझको अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस दी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आपको हमेशा से यकीन होता था कि इसका मेरे लिए इंटरेस्ट है, लेकिन ये पर्सन हालात की वजह से, किसी ऐसी वजह से, ये कभी भी आपके सामने इसने कन्फेशन नहीं किया। ठीक है, बहुत स्टाइलिश से इसके ब्लॉन्ड बाल हो सकते हैं, शायद इनके बड़े बाल भी रहे हों किसी वक्त में, क्योंकि ये मर्द हैं, मर्द हजरात हैं, मतलब मर्द हजरात से मर्द हजरत हैं, साहब हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट है, कोई एक मेल कैरेक्टर है। जितनी भी खवातीन देख रही हैं ये उन्हीं के लिए रीडिंग लग रही है, लेकिन इसमें एक फ़ीमेल भी है, यहाँ पर एनजाइटी में फ़ीमेल इमेज भी है। तो रिगार्डलेस जेंडर आप एनर्जी पे फोकस करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मर्द है, लेकिन इसके बाल कितने स्टेप्स में और लेयर्स में कटे हुए हैं, और इतने बफी से कर्ल्स हुए हैं, जो कि अगर मैं इधर हाथ रख दूं तो कोई भी नहीं गैस कर सकते ये मर्द है, ये एक औरत है। लेकिन बहुत सारे मामला दूसरे होते हैं जिसमें पता चल रहा है ये मर्द है। लेकिन रेड रेड रेड, पैशन, फायर, हॉट। आपने एटलीस्ट जो एक एडोलेसेंस के टाइम पर जो एक बायोलॉजिकल फील आती है ना, जब आप मोहब्बत में पड़ते हैं तो वो जो गिटार बजते हैं और पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, वो आपने एटलीस्ट इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप इसके साथ थे तो आपने अपने आप को जाना, आपने रिलीजन में अपने अल्लाह के सामने, अपने खुदा के सामने, अपने गॉड के सामने आपने लिटरली सरेंडर किया कि वॉट एवर हैड हैपन, मैं आपने दुआएँ बहुत की होंगी, आपने बहुत कुछ इसके लिए, यानी आपने हर तरीके का दम दुरूद कर दिया होगा कि ये किसी तरीके से ये आपको पर्सन मिल जाए। लेकिन आपने भी इसके ऊपर नहीं, और लिटरली आप थोड़े से साइकोटिक भी हो गए होंगे, आप अकेले बैठ के बातें करते होंगे, आप इमेजिनरी फैंटेसी में चले जाते होंगे, आप बहुत कुछ ऐसे सोच के बातें करते होंगे जैसे आपके सामने वो पर्सन बैठा हुआ है, रातों को उठ के आप बातें करते होंगे, सेल्फ टॉक करते होंगे, और बिल्कुल ऐसा सिनेरियो होता होगा कि जैसे कोई सामने ही बैठा हुआ है और आपकी बातें सुन रहा है, क्योंकि आपको एंजाइटी हो रही होती थी, आपको आपकी आपके इस फेज़ में भी इस पर्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज सिवाय इसके कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, इसके अलावा शायद इसने आपको कभी भी कोई हार्ड टाइम नहीं दिया। इनफैक्ट इसने मोहब्बत का कन्फेशन ना करते हुए भी आपसे मोहब्बत की है। एनजाइटी, आपको यकीनन आप एनजाइटी हो, पेशेंट हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, आपको आपका एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता होगा, आपके एनजाइटी फ्लैशेज आपको होते होंगे, अभी भी होते होंगे या पहले भी होते होंगे, लेकिन आप बहुत सोचते थे, आप उस फेज़ उस वक्त आप ऐसे थे कि बिल्कुल अकेले तन्हा, और बहुत सारे लोग आपको देखकर भी ये सोचते थे, बिकॉज़ आप देखें कर्टन और ये कर्टन, जब तक ये कर्टन इस तरफ है तो कितना ब्राइट और रेड है, लेकिन जब ये कर्टन आपके पास है तो कितना डेल रेड हो गया, और यहाँ पर ये बिल्कुल इसका हार्ट जो बिल्कुल ब्राइटन अप है। तो एक एंजाइटी आपको रही है, आप जिस पर्सन से दोबारा मिलना चाहते हैं, कुछ मेगा चीज़ें इस पर्सन ने आपको ये रियलाइज़ कराया, टेम्परमेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं, बर्दाश्त कैसे करते हैं, मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हूँ, इसी से आपने बर्दाश्त सीखी, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिस पर्सन से आप एक दफ़ा तो दोबारा ज़रूर मिलना चाहते हैं। सबसे खूबसूरत बात ये द टेम्पल पाथ, इस पर्सन ने आपको एक गाइडलाइन दी, इस पर्सन की वजह से आपने स्पिरिचुअलिटी को जाना, इस पर्सन की वजह से आपने अपने आप को अब्द और माबूद के मामले में ना बीच में पाया कि आप किसी के ना मिलने की वजह से कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ये आपने इस पर्सन की वजह से जाना।
और डेफिनेटली ये इस पर्सन ने आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया, ये मैं आपको कहूँ, मतलब एक्सप्लॉइट आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ये देख ले कि सामने वाला मेरे लिए कितना इंटरेस्ट रखता है और वो मेरे आगे बिल्कुल सामने ऐसे प्लेटर की तरह अवेलेबल है कि मैं उसके साथ कुछ भी करूं, लेकिन आपके साथ कोई दुआ होगी, कोई बात होगी, कुछ भी होगी, इस पर्सन ने आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया। जो बहुत यंग लोग हैं, यानी कि जो बिल्कुल अभी अर्ली 20s में हैं, शायद उनके लिए रीडिंग ना मैच करे, लेकिन जो लेट अर्ली 30s में हैं या जो अब लेट 40s में हैं, उनके लिए तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज इन्हीं ऐसे ही एज ग्रुप के लोगों को फिर रिकॉल करता है कि मैं काश एक दफ़ा इस पर्सन से ज़रूर मिलूँ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया आपकी लव लाइफ जो है ना, क्योंकि जब मैंने, मुझे पता है जब मैंने जैसे ही टाइटल पढ़ा होगा, खड़ाक से सबने अपने दिमाग में बंदा बंदी को जो है ना लड़ा लिया होगा। तो ये तो है वो इंसान जिससे आप मिलना चाहते हैं, और एक ही इंसान होता है जो आपको ज़िंदगी के हर लेसन की तरफ फिर रुख करवा देता है। ये भी प्रेशर कुकर ठीक कराने के लिए आ गए बाहर आ, लेकिन आपको रिलीजन का बताता है, सोशल लाइफ का बताता है, रिश्तों को समझने का बताता है, आपको अपने आप से मोहब्बत करने का बताता है, हर तरह की वो चीज़ जिससे आप नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी को हैंडल कैसे करना है, इस पर्सन ने एटलीस्ट आपकी ज़रूर इस मामले में हेल्प की है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन है वो पर्सन जिससे आप अपनी एक दफ़ा जो है वो अपनी लाइफ में ज़रूर मिलना चाहते हैं। थोड़ा सा वो हो रहा है, ये मैं सोशल एस्पेक्ट से देखती हूँ कि कौन है जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं, कौन है जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, मोर साइंस टू अंडरस्टैंड कि मेरे व्यूअर अपनी लाइफ में दोबारा किस इंसान से मिलना चाहते हैं। कम्युनिटी 39, आप लोग कोई जिरगा बिरादरी वाले लोग हैं, आप लोगों की एक खास कम्युनिटी है, किसी खास कास्ट से या क्रीड से आपका ताल्लुक है, फ़िका आप लोगों का जैसे कहते हैं, तो उसमें कोई ख़ास आपकी कोई जमात है उसमें, या आप कहीं ख़ास जमात, जैसे लोग जमात खाने भी जाते हैं, या लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो चीज़ों में अटेंड करते हैं सेरेमनीज़ को, या अब आपको ये पता होगा कि दे रन अ कम्युनिटी, कुछ लोग हैं जो कि एक वेलफेयर को रन करते हैं, आपको इसकी न्यूज़ है या नहीं है, बट आई गेस अब ये इस वक्त जो है ना, कभी भी अगर आपका ज़िंदगी में इससे दोबारा मिलना हुआ जो कि नज़र आ रहा है, तो आपको मिलकर ये सरप्राइज़ हुआ कि नाउ दे बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी जहाँ पर ये लोग वेलफेयर वर्क कर रहे हैं, जहाँ लोग होते हैं, इस तरह का मामला। या आप किसी ख़ास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ आपका डिफरेंशिएशन था, आप लोग डिफरेंट थॉट के लोग थे, जिसकी वजह से ये एक बैरियर हो सकता है कि आप लोग एक ना हुए। हाई ऑनर 25, प्रोटोकॉल है, ये आपके सीनियोरिटी में होंगे, अगर आपने इनके अंडर काम किया है तो ये सीनियोरिटी लेवल पर होंगे, इनकी कोई पोजीशन डेजिग्नेशन होगी, आपने इनको बहुत रिवॉर्ड सेरेमनीज़ में देखा है, आपने इनका कोई एक सिग्निफिकेंट काम है जिसके लिए ख़ास तौर पे नहीं कहा जाता इनको 21 तोपों की सलामी दो, और आपने इनके ऑनरेरम में देखी हैं चीज़ें कि इनको लोग इनके काम को प्रेस करते थे, और आप जब इनके साथ एसोसिएटेड होते थे तो शायद इनकी ज़्यादा ग्रोथ होती थी। तो हो सकता है ये आपको, इन्होंने कभी आपको कहा हो कि तुम मेरा लकी चार्म हो, तुमसे जब से मुलाकात हुई है, जब इंसान किसी ऐसे पर्सन से मिलता है जिससे उसकी एनर्जी वाइब मैच कर जाती ना, तो वो पॉजिटिव इनलाइटमेंट में आ जाता है, फिर उसको अपने साथ हुए हुए कुछ नेगेटिव मामलात भी जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव लगने लगते हैं। तो इंसान जब अपने लिए अच्छा फील करता है, एक्सेप्टेड फील करता है, तो उसको हर चीज़ अच्छी लगती है, और इसी वजह से वो किसी के साथ एसोसिएट होकर ना ये बात कहता है कि तुम मेरी लकी चाम हो, चाहे खातून हो या मर्द। तो ऐसा भी हुआ होगा और आपने भी विटनेस किया होगा कि जब भी आप इनके साथ हैं तो इनको कुछ ना कुछ प्रोमोशन, ऑनर, इंसेंटिव्स, ये सब चीज़ें इनको मिले चली जा रही हैं, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, जब आपके और इनके दरमियान इन्होंने आपको ना एकदम से बम फोड़ा होगा, अब वो बम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अचानक से आपने कोई लेटर देखा, कोई तस्वीर देखी, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देखा जिसमें आपको इस पर्सन की कोई रियलिटी पता चली। आप इनके साथ काम करते थे तो कोई पेपर देख लिया होगा, इन्होंने लिटरली आपको कोई नोटिस भेजा होगा,
इन्होंने कोई चीज़ आपको लिख कर जो है वो क्लैरिफाई की होगी, जिसमें आपने कोई हिडन मैसेज देख लिया होगा, लेकिन कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आप दोनों के दरमियान रहा, किसी ने इनकी कोई चीज़ें कॉपी पेस्ट करके आपको भेजी तो आपके लिए वो कंसर्निंग हुई कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था हमारे दरमियान ये गलत फहमी क्रिएट हुई, यानी कुछ ऐसा हुआ कि आपके लिए वो कंसर्निंग बात रही है। थीफ, शायद आपसे ये पैसे वैसे भी बहुत ज़्यादा लेते थे, या ये आपको बहुत ज़्यादा इनको पता था कि जो है ये आप पर लुटा रहे हैं या लुटा रही हैं, जो भी मामला है। बट पब्लिकली ऐसा लगता होगा कि जैसे गिव एंड टेक ज़रूर है, कोई ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर लुटाता, लोगों की होती बड़ी गलीज जहनीत, ऐसा नहीं है कि लोगों की गंदी जहनीत नहीं होती, तो कुछ ऐसा मामला होगा। लेकिन बड़े क्लोज वन से जो है जो ये पर्सन है जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं, इसको अपने करीबी लोगों से भी काफ़ी वो मिले हैं, धोखे मिले हैं, और आपने इसको कोई गैम्बलिंग या कोई करप्शन करते हुए भी देखा है, क्योंकि ये हाई ऑनर वाली बात है और मैसेज ऑफ कंसर्न है। शायद आपके पास इसका कोई राज आ गया हो, और कोई ऐसी बात हो गई हो कि रेपुटेशन बनी हुई थी और एकदम से रेपुटेशन ख़राब हो गई हो, और इसने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी हो, बिकॉज पहले ही वो मैन होल्डिंग अ हार्ट है, तो कोई ऐसी बात नहीं बोली हो कि भाई मेरे इमेज को लेकर और मेरी रेपुटेशन को लेकर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बात है। गिफ्टिंग देख लीजिए एंड सडन वेल्थ, यस नोटिस देख लीजिए ना, कोई अचानक से नोटिस आना और फिर पैसा एकदम से इनके पास जो है ना, यानी अचानक से 777 आ गया, जुमला मुकम्मल कर लीजिएगा कि एक और 7 होता तो मेरा चैनल होता। इनके पास अचानक से इनका सोशल स्टेटस इनका जो है ना बदला, और आपने देखा, आपने विटनेस किया कि ये कैसे इन्होंने उस दिनों में आपको कोई ख़ास गिफ्ट दिया होगा, समथिंग रेड, यू नो, कोई रेड और उस पर गोल्डन चीज़, कोई गिफ्ट, कोई जोड़ा, कोई ज्वेलरी, कोई ख़ास चीज़ जो ऐसे पैक थी, मतलब ऐसा यू नो एज अ मेमोयर, एज अ टोकन ऑफ लव। जब इनका इनको बोनस मिलते होंगे तो ये आपके लिए ज़रूर यकीनन कोई ना कोई गिफ्ट लेते होंगे, और हो सकता है ये लॉयर हों, इनका कोई जैकपॉट लगा हो और इन्होंने फिर आपके लिए भी कुछ किया हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अचानक से इनके पास ना अबंडेंस की भरमार हो गई, अचानक से, मतलब ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप दोबारा मिलना चाहते हैं कि अगर कहें कि सक्सेस क्या होती है तो इसकी आप मिसाल दे सकते हैं कि लुक एट हिम और लुक एट हर, ये एक मामला है। ठीक है, अब चेक करते हैं टैरो से जनाब, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो ओरेकल्स थे, ये भी आप काफ़ी हद तक मैसेजेस रिवील करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लेट्स सी कि कौन है वो एक इंसान। अगर रीडिंग लंबी हो जाए तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज, बिकॉज अभी ही 17-18 मिनट हो गए हैं और मुझे जो है वो अभी टैरो से कार्ड्स निकालने भी हैं और इनको क्लैरिफाई भी करना है कि कौन है वो इंसान जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। हु इज़ दैट पर्सन जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं। पाइसीस हैंग, मामला उल्टे हैं, हैंगमैन, अच्छा यूँ है हैंगमैन जो सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। 7 of Swords, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया, यस। यू हैव मैनी क्वेश्चन, किंग ऑफ सोर्ड्स, रैशनलिस्ट, फुल ऑफ पर्पज, लॉजिकल पर्सन, अपने आप को प्रिटेंड करना, इसीलिए शायद मैन होल्डिंग अ हार्ट है। 2 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिससे आप ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहते हैं। एक तो आपके और इसके मामलात अभी क्लियर नहीं हो, आज तक आपको नहीं पता कि ये आपके लिए क्या सोचता था और इसको नहीं पता आप इसके लिए क्या सोचते थे। ठीक है, पॉज रहे हैं आपके दरमियान मामलात, और सबसे बड़ी बात, अपनी फीलिंग्स पे इस पर्सन ने जितना कंट्रोल किया है, यानी बातें करना, जेस्चर शो करना, ये कि जैसे आपके अलावा तो कायनात में रंग ही नहीं है, और आप ही को डिक्लेयर करना। आप देखिए सडन वेल्थ के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, यानी कि किस्मत ही बदल गई, लेकिन दिस पर्सन नोज इट कि इसकी लाइफ में कोई सडनली आया और इसने एकदम से जब पहिया घूमा तो वो कुदरत का पहिया था, बिकॉज ये अपने अपने व्हील पर खुद मौजूद है, इसको नहीं फिक्र कि कौन मुझे कैरी कर रहा है या कौन मुझे ज्वाइन कर रहा है, ये हाथ किसी और का है जिसने इसकी लक के साइकिल को घुमा दिया, और उसमें कौन गिर गया ये आप ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, इस हैपनिंग की इस पर्सन के पास लॉजिक है, कभी भी आपके पास इससे ज़िंदगी में मुलाकात होगी और आप कभी इससे सवाल करेंगे तो ये आपको ऐसी लॉजिकल बात कहेगा उस वक्त को लेकर,
कि आप एक मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, लेकिन डीप डिग इनसाइड, डिग डाउन अगर करें डीप डाउन इनसाइड, तो ये पर्सन खुद भी दो चीज़ों में उस वक्त जगलिंग कर रहा था। देखें आप, एक जो गिर रहा है, एक ने जिसने कैरी कर लिया और फिर लक चल रही है, और इसकी नज़र भी देखें वहीं पर ही, लुक एट इट, डिस्टेंस ट्रैवलिंग, सारा जो ज़िंदगी के वो होती है ना पर्क्स जो होते हैं, ये वो पर्क्स थे जिसको इसने प्रायोरिटी दी। बहरहाल इसमें कोई धोखादही की बात नहीं है, लेकिन ये मैं वो साइंस बता रही हूँ जो जिससे आप मिलना चाहते हैं ना, ये उसकी लाइफ है, ये इस तरह के मामलात आपके उसके साथ थे, ठीक है। हैंगमैन यहाँ पर क्यों है, अब देखते हैं कि क्यों आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं जिसके मैंने आपको तमाम साइंस बता दीजिए, पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लियो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्यों आप इससे मिलना चाहते हैं, हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है, सिक्स ऑफ वॉन्स, आप इसको इससे मिलकर ये बताना चाहते हैं कि मैं टूटा नहीं, मैं हारा नहीं, आई एम स्टेबल, आई एम सक्सेसफुल, एंड नाउ पीपल नो मी, लोग मुझे जानते हैं, मैंने भी फेम कमाया, मैंने भी नाम कमाया, उतना नहीं कमाया लेकिन आज भी मेरा नाम लो तो लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं। आप वो चीज़ें रिवील करना चाहते हैं जो आप उस वक्त नहीं कर सके, जो उस वक्त आप दोनों के दरमियान पॉज थी, अब सक्सेस को आप भी शेयर करना चाहते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्यों आप इस शख्स से एक दफ़ा फिर मिलना चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू वॉन्ट टू नो कि ये जब इस तरह की एनर्जी में था ये पर्सन, तो इसने अपना पैशन फ्लर्ट रहे होंगे, या आपको फ्लर्टिशियस एनर्जी बड़ी पसंद है, यू वॉन्ट दिस पर्सन टू रीलिव दोज मोमेंट्स अगेन, आप दोबारा से इस पर्सन के साथ ये मोमेंट्स दोबारा से जीना चाहते हैं, प्लस आप ये जानना चाहते हैं कि जब ये मैंने देख लिया था तो हाइड क्यों किया, जब मेरे सामने इस तरह के रहे या इस तरह की रही तो हाइड क्यों किया, खुल के जैसे कहना चाहिए ना, सामने क्यों नहीं आया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है उस वक्त इन्होंने बड़ा रूडली आपको ट्रीट किया हो, और क्योंकि एरोगेंस और डिसीजन में इतने क्लियर नज़र आ रहे हैं, कुछ अपना नुकसान भी बड़ा किया है, क्योंकि सॉर्ड पे जो ना रेड कलर है, और रुख बिल्कुल मोड़ लिया, नहीं देखा, किसी को चोट लग रही है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही है, कोई खो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई जा रहा है, कोई छुट रहा है, नहीं देखा, अपने फैसले को देखा इन्होंने, नज़र ही नहीं की कि कौन छुट रहा है कौन नहीं जा। आपको कुछ क्वेश्चंस इनसे करने हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, दो किंग्स वैसे ही आ चुके हैं एक क्लैरिफिकेशन में, एक आंसर में, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप ये जानना चाहते हैं कि चॉइस मैं क्यों नहीं रही, या मैं क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों नहीं चूज़ किया, और आप दोनों के दरमियान कुछ बदगुमानियाँ रहीं, जो बदगुमानियों को आप लोगों ने नाम नहीं दिया, पहचान नहीं दी, कुछ बोले नहीं, कुछ डिस्कस नहीं किया। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड तो पाइसिस को डिक्लेयर करता है, लेकिन स्कॉर्पियो बहुत मेजरली नज़र आ रहा है। आपने इनके इस अटेम्प्ट पर, जिससे आप ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहते हैं ना, आपने अपना भी बड़ा नुकसान किया, लेकिन आपने इनके सामने अपनी इनसिक्योरिटी को शो नहीं किया, आपने कहा नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं इस लॉजिक को बेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों, हाई प्रीस्टेस, चलें जी, ये इंसान भी कभी आपसे अगर मिला तो ये इंसान भी जानना चाहेगा कि तुम क्यों खामोश रही, या तुम क्यों खामोश रहे। आई थिंक आपने इस लास्ट कार्ड पे इस रीडिंग को खुद ही कंक्लूड कर लिया है देखते ही देखते, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आ गया, और ये एनर्जी इंट्यूटिव एनर्जी होती है, ऑब्जर्वेंट एनर्जी होती है, रिलीजियस एनर्जी होती है। आप देखें इसने पूरी अबाया पहन रखी है, पूरा कवर किया है अपनी बॉडी को, और ये अपने उस पूरे अपने थ्रोन पर इतनी खूबसूरती से बैठी हुई है, और इसके क्रॉस का साइन है, और इसके पास वो तमाम टूल्स हैं। कोई ख़ास मेटल आप पहनते हैं हाथ में, कोई रिंग, कोई आयरन, कोई सिल्वर, कोई चांदी का, कोई कॉपर का जो पहना जाता है, बट यू आर टोटली चेंज, और अब आप इतने खामोश हैं कि आप एनर्जेटिकली और टेलीपैथिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू नो इट, आपने इस रीडिंग को इस कार्ड के थ्रू एंड कर दिया, यू नो इट कि ये टू ऑफ पेंटिकल्स में जो जगलिंग करता रहा ये पर्सन, ये क्यों करता रहा। तो ये है वो इंसान, ये है वो खातून, ये है वो मर्द, जो भी आप जिस तरीके से भी आपने इस रीडिंग को देखा, कि जो जिससे आप लाइफ में दोबारा मिलना चाहते हैं,
तमाम चीज़ें आपके सामने हैं और मैंने रीजंस भी बता दी कि आप क्यों मिलना चाहते हैं और इस इंसान ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया वो भी मैंने बता दिया। तो देखते हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी भी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे आएंगे एंड इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी बातें और जितनी भी ख्वाहिशात अभी रह गई हैं वो पूरी होंगी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपकी मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।